यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बैंडी प्लस टैबलेट के बारे में। तो अगर सिंपल वे में बात करें तो इस टैबलेट को हम लोग कब यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि आपके पेट में कीड़े हो गए, तो कीड़े के टाइम इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। लेकिन एक्चुअली पेट में कीड़ा नहीं होता है, वो इंटेस्टाइन में कीड़ा होता है, यानी कि आपकी जो आंत होती है उसमें कीड़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में वर्म नाम देते हैं। तो वर्म का इन्फेक्शन होता है आपके इंटेस्टाइन में, तो उस चीज के ट्रीटमेंट के लिए ही बैंडी प्लस टैबलेट का यूज किया जाता है। और जो ये वर्म होता है वो एक तरह का पैरासाइट होता है, यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो उसको होस्ट यानी कि अपना घर कंसीडर करके वहां आता है, वहां रहता है और वहीं से अपना खाना लेता है। तो हमें क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है, खुद खाना खाता है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को फैलाता है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, लाइक कि हमारा जो ब्लड होता है वहां भी ये राउंड वर्म जाता है और हमारे ब्लड को भी इन्फेक्ट करता है। तो यदि आपके ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है राउंड वर्म के वजह से या फिर आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ है, तो उस चीज के ट्रीटमेंट के लिए ही इस दवाई को दिया जाता है। इस दवाई को मैनकाइंड कंपनी बनाती है और इसके अंदर आइवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल नामक की दवाई होती है और ये दवाई आपको च्यूएबल फॉर्म में मिलता है। अगर इसके ब्रांड की बात करें तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल सकता है। तो ये मैनकाइंड बनाती है तो इसका नाम है बैंडी प्लस। अगर अदर कंपनी बनाती है तो उसका उस कंपनी के अकॉर्डिंग अलग नाम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल ही होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल जो होता है इस दवाई में क्यों डाला जाता है, ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाके वर्क करता है और इन्फेक्शन से हमें छुटकारा देता है। तो आइवरमेक्टिन जो होता है वो वर्म यानी कि हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं, कीड़े के नर्व सेल से और उसके मसल सेल से जाके अटैच हो जाता है और उसे पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। अगर मूव नहीं कर पाएगा तो वो अपना खाना नहीं खा पाएगा, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एंड एल्बेंडाजोल जो होती है वो वर्म के शुगर अटैक को ही रोक देता है, यानी कि शुगर जो ले रहा था वर्म अपना खाना ले रहा था उसके एब्जॉर्प्शन को ही रोक देता है, जिसकी वजह से वर्म की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो अगर मैं इसके अदर डोजेस फॉर्म की बात करूं तो ये टैबलेट के अलावा सस्पेंशन फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि सिरप के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इस दवाई को जब भी रिकमेंड किया जाता है तो एक डोज फिक्स किया जाता है और जितने टाइम तक आपको लेने की सलाह दी गई है आपको लेना चाहिए, वरना वर्म इन्फेक्शन जल्दी खत्म नहीं होता है। और इसे लेने से कोई साइड इफेक्ट फील नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आपको स्टमक पेन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकती है, तो थोड़े बहुत आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये थे बैंडी प्लस टैबलेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।